नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS क्लर्क 2022-2023 से रिलेटेड है। मेंस का सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा, इसमें हम एक्स सर्विसमैन DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की भी क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। साथ में जनरल का क्या कट ऑफ सेक्शनल रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे थे कि सर सेक्शनल कट ऑफ पर आप वीडियो लेकर आइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ निकालना बहुत जरूरी होता है। एक ओवरऑल कट ऑफ होता है और एक सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल मतलब वो मिनिमम कट ऑफ जो आपको हर सेक्शन में लाना होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहें, हम इसमें आपको पूरा बताएंगे कि सेक्शनल कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इसमें हम जनरल और एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। IBPS क्लर्क मेंस 2022-2023 सेक्शनल कट ऑफ। तो इसमें सबसे पहले हम UR की बात कर लेंगे यानी कि जनरल की। इसमें हम सभी सेक्शंस की बात कर लेंगे, जैसे कि सबसे पहले GA के बारे में, उसके बाद हम बात कर लेंगे इंग्लिश के बारे में, फिर रीजनिंग के बारे में और फिर क्वांट सेक्शन के बारे में। तो यहां पे हम UR यानी कि जनरल के बारे में बात कर लेंगे और उसी के आगे एक्स सर्विसमैन की चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं कि क्या लेवल का सेक्शंस में पूछा गया था, यानी कि जो एग्जाम आपका हुआ है उसका क्या लेवल था सेक्शन वाइज। तो रीजनिंग जो है आपका वो मॉडरेट टू टफ रहा है। इस बार रीजनिंग ने काफी परेशान किया है एस्पिरेंट्स को और करंट अफेयर ने कैंडिडेट्स को परेशान किया है। तो रीजनिंग और GA इन दो में कैंडिडेट्स को परेशानी हुई है, इसी की वो लोग ज्यादातर सेक्शनल कट ऑफ जानना चाहते हैं। बाकी क्वांट जो रहा है वो मॉडरेट रहा है, उसमें कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश भी मॉडरेट रहा है, एकदम इजी नहीं कहेंगे पर मॉडरेट रहा है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसमें एक्यूरेसी की थोड़ी सी संशय रहती है कि कहीं एक्यूरेटली हमने किया है या नहीं। तो हम हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ पर बात कर लेंगे, पर GA में आपको बताना चाहूंगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ने थोड़ा सा कैंडिडेट्स को परेशान किया है और इसका लेवल मॉडरेट से टफ की साइड पर ज्यादा रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सेक्शनल कट ऑफ भी उसी के अनुसार गिरेगा, कम रहेगा सेक्शनल कट ऑफ। बाकी आपकी कोई और राय हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GA यानी कि जनरल अवेयरनेस की। तो इसका सेक्शनल कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 3 नंबर रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। 3 नंबर के आसपास आपको इसका कट ऑफ दिखेगा। इसमें मैं आपको रेंज नहीं बता रहा हूं, पर आप खुद भी मान सकते हैं कि थोड़ा सा रेंज भी रहता है, पर एक एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें मैं एक्सपेक्टेड भी लिख देता हूं कि एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ 3 के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं जनरल अवेयरनेस की। यही हम बात कर लें एक्स सर्विसमैन के लिए, तो यही कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ GA का 2 नंबर के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश पर।
ये मॉडरेट लेवल रहा है, इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स परेशान नहीं हुए हैं। तो इसमें 8 नंबर के आसपास, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा 7 के आसपास ही रहेगा, पर फिर भी मैं एक अपर एज ही आपको लेके बता रहा हूं कि 8 नंबर अगर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सेक्शनल कट ऑफ बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जनरल के लिए इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 8 नंबर के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बात कर लें एक्स सर्विसमैन की, तो यही कट ऑफ आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। 5 नंबर सेक्शनल कट ऑफ आपका इंग्लिश की रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी हुई है, तो इसका कट ऑफ भी आपको गिरता हुआ दिखेगा। इसका कट ऑफ हमारे अनुसार 7 नंबर रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इवन ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर हम एक मैक्सिमम लेके आपको बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 6.5, 6 के आसपास भी रह सकता है, एक रेंज हम लेके बता रहे हैं। 7 हमने फिर भी एक ऊपर एज पर ही आपको बता रहे हैं, तो 6.5, 6 के आसपास भी ये रह सकता है, 7 से ऊपर जाने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का पेपर काफी अच्छे लेवल का रहा था, कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट भी काफी गिरे हैं। अब यही हम बात कर लें एक्स सर्विसमैन में, तो रीजनिंग का कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 4.5 नंबर, 4.5, बल्कि थोड़ा मैं एज ऊपर ही ले लेता हूं, तो 5 नंबर आप लिख लीजिए कि 5 नंबर रहने की संभावनाएं हैं। तो इससे कम ही रहेगा, 4.5 रहेगा, पर फिर भी मैं एक ऊंचा ही आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो 5 नंबर आपका सेक्शनल कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कौन सेक्शन की। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप हमारे सेक्शनल कट ऑफ से सहमत हैं या नहीं, आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके बाद मैं स्टेट वाइज वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कट ऑफ की, तो आप अपना किस स्टेट से आपने एग्जाम अप्लाई किया था वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम वीडियो उसी स्टेट का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज, उस पर आपको वीडियो देने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। ये मॉडरेट रहा है, इसमें कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट करे हैं, तो ये मेरे अनुसार 11 नंबर तक रह सकता है। ये भी मैंने आपको बताया कम ही रहेगा, 10, 10.5 तक भी रह सकता है, पर मैं एक अपर एज ही आपको बता रहा हूं। तो 11 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सेक्शनल कट ऑफ बड़े आराम से निकल जाएगा। 11 नंबर अगर आपके क्वांट में आ रहे हैं, आप यूआर यानी जनरल से हैं, तो आपका बड़े प्यार से बड़े आराम से निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो यही अगर आपके क्वांट में 8 नंबर आ रहे हैं तो आपके सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारे वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जीए में लोगों को बहुत परेशान किया, रीजनिंग में कैंडिडेट्स बड़े परेशान हुए, तो उसका सेक्शनल कट ऑफ भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। जीए में 3 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 नंबर, रीजनिंग में 7 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 नंबर देखने को आपको मिल सकता है, बल्कि हमारी तो यही कामना है कि इससे भी थोड़ा कम ही रहे और हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन बैंक में हो जाए, उनका सपना बैंक में कार्य करने का साकार हो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।